In this short video, we are going to discuss about different kinds of punishment under Bharatiya Nyaya Sanhita 2023. So chapter 2 of BNS basically punishments ke bare mein baat karta hai. Aur section 4 mein kul 6 types of punishments ke bare mein baat kiya gaya hai. Hamare आईपीसी में 5 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स दिया गया, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में एक दूसरा टाइप जो ऐड किया गया है वो है कम्युनिटी सर्विस यानी सामुदायिक सेवा। तो आइए देखते हैं कि भारतीय न्याय संहिता में कितने टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स के बारे में बात किया गया है, और हम ये भी समझेंगे कि सिंपल इम्प्रिजनमेंट और रिगोरस इम्प्रिजनमेंट में क्या की डिफरेंसेस हैं। एट द एंड हम कुछ लीडिंग केस लॉज भी देखेंगे, राइट? तो भारतीय न्याय संहिता विच इज आवर न्यू आईपीसी, इसके सेक्शन 4 में कुल 6 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स के बारे में बात किया गया है, जिसमें सबसे पहला जो पनिशमेंट है वो है डेथ पेनाल्टी, दूसरा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ जिसे हम शॉर्ट में लाइफ इम्प्रिजनमेंट कहते हैं, आजीवन कारावास कहते हैं, तीसरा इम्प्रिजनमेंट ऑफ टू डिस्क्रिप्शंस, पहला सिंपल इम्प्रिजनमेंट यानी साधारण कारावास और दूसरा रिगोरस इम्प्रिजनमेंट यानी कठोर कारावास। फोर्थ काइंड ऑफ पनिशमेंट इज फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फिफ्थ वन इज फाइन, एंड द लास्ट काइंड ऑफ पनिशमेंट विच इज अ न्यू पनिशमेंट जो कि बेसिकली अवॉर्ड किया जाएगा पेटी ऑफेंसेस में, विच इज कम्युनिटी सर्विस सामुदायिक सेवा, जिसमें पनिशमेंट के तौर पे आपसे कुछ पब्लिक वेलफेयर से जुड़े काम कराए जाएंगे, राइट? तो वो क्या है? कम्युनिटी सर्विस है। तो बेसिकली ये जो हमारा थर्ड काइंड ऑफ पनिशमेंट है विच इज इम्प्रिजनमेंट ऑफ टू डिस्क्रिप्शन, जिसमें हम सिंपल इम्प्रिजनमेंट यानी साधारण कारावास और रिगोरस इम्प्रिजनमेंट यानी कठोर कारावास के बारे में बात कर रहे हैं, तो इनके बीच क्या डिफरेंसेस है और इनका क्या मतलब है एक्चुअली, उसे समझते हैं। सो जो बेसिक डिफरेंस है सिंपल इम्प्रिजनमेंट और रिगोरस इम्प्रिजनमेंट में, उसे क्लियर किया गया है फूल कुमारी वर्सेस तिहाड़ सेंट्रल जेल के केस में। इसमें बताया गया है कि सिंपल इम्प्रिजनमेंट मींस पर्सन हु हैज बीन सेंटेंस्ड विथ सिंपल इम्प्रिजनमेंट, वो व्यक्ति जिसे साधारण कारावास दिया गया है, cannot be required to work in jail unless he volunteers himself to do work, उसे जेल में रहते हुए काम नहीं करना होगा, यानी पुलिस अथॉरिटीज उससे जबरदस्ती काम नहीं करा सकती हैं जब तक वो खुद काम करने का इच्छा जाहिर ना करे। तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट मीन्स आपको जेल में रहना है लेकिन साधारण कारावास से गुजरना है, उसमें आप कोई काम नहीं करोगे, दिस इज सिंपल इम्प्रिजनमेंट, बट इट इज अप टू यू, अगर आप काम करना चाहते हो तो आप अथॉरिटीज से कह सकते हो और आपके कहने पर वो आपको काम दे सकते हैं, राइट? अब जेल में कई तरह के काम हो सकते हैं, जैसे अगर आप एजुकेटेड हो और आप सिस्टम पे काम कर सकते हो तो आपको टाइपिंग का काम दे दिया गया, या आपको एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में लगा दिया गया, राइट? या आपको पेंटिंग आती है तो आपको पेंटिंग में लगा दिया गया। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क होते हैं और ये है सिंपल इम्प्रिजनमेंट मींस, राइट? तो पर्सन हु हैज बीन सेंटेंस्ड टू सिंपल इम्प्रिजनमेंट हैज ऑप्शन ऑफ चूजिंग टू वर्क, while person who has been sentenced to rigorous imprisonment is required by law
to work hard labor, and under trials are not required to work in jail. तो फूल कुमारी वर्सेस तिहाड़ सेंट्रल जेल के केस में सिंपल इंप्रिजनमेंट और रिगोरस इंप्रिजनमेंट को डिफ्रेंशिएट किया गया और कोर्ट ने कहा कि अगर यू आर अवॉर्डेड विथ रिगोरस इंप्रिजनमेंट तो आपको जेल में रहने के साथ साथ हार्ड लेबर करना होगा. यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क हार्ड इन जेल, राइट. लेकिन सिंपल इंप्रिजनमेंट में ये आपके ऊपर है कि आप काम करना चाहते हो या नहीं करना चाहते. एंटाइटलमेंट ऑफ वेजेस, प्रिजनर्स सेंटेंस्ड फॉर रिगोरस इंप्रिजनमेंट आर एंटाइटल्ड फॉर वेजेस फॉर द वर्क डन बाय देम ड्यूरिंग कस्टडी इन प्रिजन. तो अगर आप काम कर रहे हो तो उसका आपको वेजेस भी दिया जाएगा. अब ये जो वेजेस होंगे ये अथॉरिटीज डिसाइड करेंगी कि ये वेजेस आपको मंथली दिया जाएगा या पर डे के हिसाब से दिया जाएगा, राइट. एक और केस है हमारे पास गोपाल विनायक गोडसे वर्सेस स्टेट, जिसमें ये कहा गया है कि लाइफ इंप्रिजनमेंट मीन्स एन इंप्रिजनमेंट दैट कंटिन्यूज टिल द लाइफ ऑफ कन्विक्ट एंड इज नथिंग लेस सिंस द स्पैन ऑफ लाइफ इज अनसर्टेन. Imprisonment for life is not an imprisonment for fixed term. तो गोपाल विनायक गोडसे वर्सेस स्टेट के केस में बेसिकली ड्यूरेशन ऑफ लाइफ इंप्रिजनमेंट के बारे में बात किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ या लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब होता है एक पर्सन अपने नेचुरल लाइफ तक, उसके जो भी रिमेनिंग ईयर्स ऑफ लाइफ हैं अब जेल में ही बीतेंगे. अब चूंकि हर पर्सन के अपने 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 लिविंग एजेस होते हैं, राइट, तो ये कहना फिक्स नहीं है कि लाइफ इंप्रिजनमेंट मीन्स 14 ईयर्स ऑफ इंप्रिजनमेंट और 20 ईयर्स ऑफ इंप्रिजनमेंट. लाइफ इंप्रिजनमेंट मीन्स कि उस पर्सन को जिसे लाइफ इंप्रिजनमेंट अवॉर्ड किया गया है, जब तक उसका डेथ नहीं हो जाता है तब तक वो जेल में ही रहेगा, राइट. नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द कंडक्ट ऑफ दैट पर्सन इन जेल. गवर्नमेंट चाहे तो उसके कंडक्ट के बेसिस पर उसे रिहा भी कर सकती, राइट. लाइफ इंप्रिजनमेंट जिसे हमने समझा कि उसमें ड्यूरेशन क्या रहेगा. अब ये जो डेथ पेनाल्टी है इसके ऊपर हमारे पास एक लीडिंग केस लॉ है, विच इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस लक्ष्मीदास. इसमें कहा गया, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट हैंगिंग इन पब्लिक प्लेस इज बार्बरिक विच इज वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. यानी पब्लिक प्लेस में सबके सामने किसी पर्सन को फांसी पर चढ़ा देना बेसिकली उसके आर्टिकल 21 का वॉयलेशन है, और इसलिए हम हैंगिंग को अलाउ नहीं कर सकते टू बी गिवन इन पब्लिक प्लेस, राइट. बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 के केस में ये कहा गया कि डेथ पेनाल्टी शुड बी अवॉर्डेड इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, राइट. तो ये था डिफरेंट काइंड ऑफ पनिशमेंट और कुछ लीडिंग केस लॉज. आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है. अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.